कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह जो अपना व्हाट्सएप का फिंगरप्रिंट है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप उसको ओपन कर लेना। मैं उसको ओपन कर लेता हूं अपने व्हाट्सएप को, और आपने उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इन पर क्लिक करना है। तो मैं इन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेटिंग्स क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे अकाउंट लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से प्राइवेसी में आ जाना है। प्राइवेसी में आने के बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड पे लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट लॉक, तो आप ये डिसेबल है, आपने इसको अनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ से अपना जो इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपने जो टाइम है उसको सेट करना है कि कितने टाइम बाद खुद ब खुद जो है ना व्हाट्सएप जो फिंगरप्रिंट है वो ऑन लग जाए व्हाट्सएप को। तो मैं इमीडिएटली कर देता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। तो मैं दोबारा अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पास फिंगरप्रिंट है वो दोबारा शो कर रहा है कि जब भी मैं ओपन करूँगा तो वो फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, तो उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप है वो ओपन होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें।